दुकान के तो इतना रास्ता रहना चाहिए, एक भी आगे पीछे नहीं, सूत आगे पीछे नहीं, सबका सब प्लानिंग के तहत किया गया था। तो दुनिया का पहला प्लानिंग, सॉरी भारत का पहला प्लान सिटी यदि कोई है तो वो कौन सा है? भारत का पहला मॉडर्न सिटी यदि कोई है तो वो कौन सा है? लिखो, जयपुर भारत का पहला आधुनिक तथा नियोजित शहर है। जयपुर इज फर्स्ट प्लान्ड एंड मॉडर्न सिटी ऑफ इंडिया। जयपुर भारत का पहला नियोजित, नियोजित मतलब प्लानिंग, जयपुर भारत का पहला नियोजित तथा आधुनिक शहर है, आधुनिक नगर है। जयपुर इज फर्स्ट प्लान्ड एंड मॉडर्न सिटी ऑफ इंडिया। प्लान्ड एंड मॉडर्न सिटी ऑफ इंडिया, जयपुर भारत का पहला आधुनिक एवं नियोजित शहर, नियोजित तथा आधुनिक शहर एक ही बात है, कुछ लिख। नियोजन का मतलब था प्लानिंग के साथ बस आ गया, मॉडर्न तो हो ही गया। नहीं तो आप कभी नोटिस करके देखो इस बात को कि आप कभी किताबें लेने जाते होंगे, आप तो नहीं जाते आजकल अपने टोंक फाटक पे, आइए सब जगह किताबें मिलने लगी। पहले किताबें लेने जाते हैं तो उस जगह का नाम है चौड़ा रास्ता, है ना। आप जाइए, मैं कहता हूं कभी आप चौड़ा रास्ता जाइए और शाम के टाइम जाइए जब लाइटें जल जाए चौड़ा, ये तो उसको वैसे नोटिस कीजिए आप। या कभी ऐसे दिन जाइए आप चौड़ा रास्ता की तरफ जब छुट्टी हो, थोड़ा रस नहीं हो वहां पर, ऐसा कोई टाइम हो तब जाइए। यार इधर दुकानें, इधर दुकानें, बीच का वो जो रास्ता उसका नाम है चौड़ा रास्ता। क्या नाम है? और वो बनाया गया 1727। कब बनाया गया? आज भी दो गाड़ियां इधर चलती है, दो गाड़ियां इधर चलती है, मतलब दोनों वो जो रोड है फोर लेन हाईवे है। आज से 300 साल पहले एक राजा को पता था कि रोडें चौड़ी होनी चाहिए। बाकी राजस्थान का एक भी शहर देख लो जो पुराना बसा हुआ है, अब नहीं, आजादी के बाद में बसा लिया, उनमें सब में हमने ध्यान रखा ही है। पुराने वाले शहर देखो, मैं हमेशा बीकानेर की, जोधपुर की, उदयपुर की बसावट जब देखता हूं तो यदि एक गली में एक गाड़ी घुस गई तो सामने वाले को बेक ही लेना पड़ेगा। बाइक भी बीकानेर में तो बाइक बेक लेनी पड़ती है, पुराना शहर है, पुरानी गलियां, कोई दिक्कत नहीं उसमें, क्योंकि उस टाइम गाड़ियां थी नहीं, उस टाइम इतनी जनसंख्या ही नहीं थी, तो बसाने वालों ने तो दिमाग भी नहीं लगाया। जनसंख्या तो 1727 में भी इतनी नहीं रही होगी, और रही भी होगी तो भी राजा की 300 साल आगे की प्लानिंग कैसे हो सकती है कि आज भी वो रोड चौड़ी लगती है? 1727 में जनसंख्या रहेगी तो उसने ये सोच के बना लिया अपने टाइम में ज्यादा नहीं हो, पर वो तो आज भी चौड़ा ही पड़ा है। मैं और कहता हूं, आप कभी उस चौड़ा रास्ता पे शाम को जब लाइट जल जाए उसके बाद उधर से सिटी पैलेस की तरफ से अल्बर्ट हॉल की तरफ आइए, उस रोड पे आइए, दोनों तरफ प्योर गुलाबी रंग के अंदर वो, आप लगेगा आप किसी यूरोप के शहर में है। इतना प्लान किया था उस आदमी ने पूरा कि सब कुछ एकदम, मतलब कहते हैं जयपुर का जब भारत में विलय किया गया ना तो जयपुर के राजा ने भारत सरकार से लिखवाया कि लिखो कि हमारे जो चौड़ा रास्ता की दुकानें हैं इनके आगे कोई दुकान नहीं बना सकता, वरना शहर की सुंदरता खराब हो जाएगी। वरना क्या लोग क्या करते हैं, एक दुकान तो है फिर अपने को लगता है थोड़ा गोदाम और बना लेते हैं आगे, है ना, तो सड़क वाली साइड में दुकान निकाल के रख देते हैं। अब फिर बापड़ी सड़क ऐसे ऐसे हो रखी है, तो मार्केट में भी ऐसे ऐसे जाती है ना, खूब सारे शहर के मार्केट जिनमें ऐसे ऐसे रोड जाती है, पर वो चौड़ी पड़ी है, वो वैसे वैसे सीधी पड़ी। और पुराने जितने शहर है, बीकानेर है, जोधपुर है, अजमेर है, उदयपुर है, सब में बरसात के दिनों में एक भयंकर समस्या है, पानी भर जाता है। ऑब्वियस बात है कि भाई बरसात ज्यादा आती है, बरसात ज्यादा आती है, ड्रेनेज उस टाइम में इतना रखा नहीं गया होगा क्योंकि तब खुला ही पड़ा था, तो पानी अपने आप निकल जाता बेचारा। और बाद में जब शहर बेहतर थी बसा कि अब पानी निकलने का रास्ता था, ये जब कभी बसाया उसने तब का पानी निकलने का रास्ता ये। अब थोड़े दिनों बाद में ध्यान दिया नहीं तो किसी ने यहां मकान बनाया, तो पानी तो ब्लॉक होगा ना बापड़ा। अब किसी ने यहां मकान बनाया, अब वो पानी इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो कहां यहां भर जाएगा? जयपुर में पानी नहीं रुक रहा, पुराने शहर का ड्रेनेज है कि पूरा का पूरा पानी जिधर ढाल दी गई उधर ही है, क्योंकि उसने कहा कि यही मकान बनाना, इसके अलावा कहीं मकान नहीं बनाओगे, पूरा का पूरा वहीं पर पड़ा है। और कभी नोटिस करना, मैंने कहा कि वो अभी देखो मैंने इसको बनाया, तब देखो कहां था, ये नौ वर्ग है ना, देखो पूरे नौ वर्ग है। नौ वर्ग का मतलब है ये सारी रोड जो है ये राइट एंगल पर काट रही है, 90 डिग्री पे काट रही है, और सारी की सारी रोड आपस में मिल रही है, इसलिए जयपुर की एक भी गली बंद नहीं होती, सारी खुल जाएगी, है ना। वरना अपने छोटे शहरों में, छोटे शहरों में उनमें सब में एक प्रॉब्लम है, पुराने शहर का तो पुराने शहर में एक प्रॉब्लम है। अब तो क्या गूगल वूगल आ गए आपके जी, तो थोड़ा यूं ठीक है कि अपने गूगल बता देता भाई ये गली बंद है, इधर से निकल जाओ, उधर से निकल जाओ, अपने निकल जाते। पहले जब रोड पूछ पूछ के जाया करते, तब आप बाइक लेके जा रहे हो, आप एक गली के अंदर घुसे, गली बंद, फिर आपको किसी से पूछना पड़ता कि सर मुझे, मेरा सेंटर है एक जगह में, मेरा अभी 9 बजे 8:30 हो गए, फलाने स्कूल जाना, गवर्नमेंट स्कूल यहाँ कहाँ है, और ये गली बंद हो गया, आगे कौन सी जाऊं?
और कोई बंदा बैठा था वो आपको बताता कि इस गली से बाहर निकल, सीधा सीधा जा, आगे एक चौक आएगा, चौक से राइट में ले लेना, वहां से तीसरी गली, वहां से मोड़ लेना, वो जाएगी वरना गलियां बंद हो जाएगी। ऐसा ही है पुराने शहरों में सब, जयपुर की कोई गली बंद नहीं हो रही, सारी की सारी जाके मेन रोड पे मिल रही। कितना प्लान था उस आदमी के पास में, आगे 300 साल तक का प्लान था, क्या 300 साल बाद में भी इस प्रकार की गलियां बंद होनी, कि पता था 300 क्या मतलब, कहने का मतलब आगे आने वाले सालों में जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग ज्यादा होंगे, लोग ज्यादा होंगे तो क्या पता कभी शहर में इस प्रकार की व्यवस्था हो जाए, नहीं भी आज वैसे ही। आपको पुराने राजस्थान के जितने शहर उनमें एकमात्र जयपुर ही इसमें चौराहे हैं, बाकी आप पुराने शहरों में देखो चौराहे नहीं है, कि भाई छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ी जो सर्किल बनाए हुए हैं, बाकी आपको सर जोधपुर में सर्किल है वो जोधपुर के अंदर वाले में नहीं है। अब जो जोधपुर आजादी के बाद में जो बसा है, अंग्रेजों के आने के बाद का है, उसमें बना ली कि बाद में ध्यान रखना शुरू कर दिया यार सर्किल भी होना चाहिए, बाकी ये सर्किल वाली विशेषता अंग्रेजों की थी कि यार इस प्रकार के सर्किल होने चाहिए। पर इस आदमी ने बाहर के मैप मंगवाए, बाहर के लोग बुलवाए, तो देख लो छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ कितने बड़े चौराहे हैं कि अभी 10-11 साल पहले इनको छोटे करने पड़े, क्या रीते, जबकि बड़े चौराहे शहर की सुंदरता होते हैं, हर अच्छे शहर जो होते हैं उनमें चौराहे क्या रखे जाते हैं बड़े, यार बड़े चौराहे होते हैं सुंदर लगते हैं, अपने यहाँ पे ट्रैफिक इतना बढ़ गया और अपने यहाँ पे ट्रैफिक सेंस नाम के लोगों में चीज ही नहीं है, तो वो चौराहों को यूं चक्कर काट काट के आने से ट्रैफिक और हो जाता, तो फिर बीच में छोटे चौपड़ बड़ी चौपड़ को छोटा किया, इनको छोटा किया जाता कि फटाफट चक्कर काट दे, वरना अपने वाला कोई उधर से चढ़ा देता गाड़ी, इनको इधर से चढ़ा देता, तो ये है। और ये अपने तारीफ नहीं कर रहे, 2019 में यूनेस्को ने कहा कि जयपुर हेरिटेज सिटी है, जयपुर क्या है हेरिटेज सिटी है। तो 2019 में एक जो संस्था है आपकी, उस संस्था का नाम क्या है, यूनेस्को, क्या नाम है, और यूनेस्को एक लिस्ट जारी करती है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, कौन सी लिस्ट जारी करती है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, या हिंदी में अपने बोलते हैं विश्व विरासत सूची, क्या बोलते हैं, विश्व विरासत सूची, इसमें जयपुर शामिल किया गया था, क्या शामिल किया गया था, जयपुर, लिख लो 2019 ईस्वी में, इन 2019 एडी, 2019 ईस्वी में, 2019 एडी, यूनेस्को ने जयपुर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया था, यूनेस्को इंक्लूडेड जयपुर इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, यूनेस्को ने जयपुर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया था, यूनेस्को इंक्लूडेड जयपुर इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, यूनेस्को ने जयपुर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया था, यूनेस्को इंक्लूडेड जयपुर इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। किसमें शामिल किया था, विश्व विरासत सूची में, किसने शामिल किया याद रहेगा, कि भाई ये भी नहीं कि अपना शहर अपने तारीफ कर रहे हैं, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, यूनेस्को ने इसको किसमें शामिल किया था, हेरिटेज, कि भाई तो इसलिए देखो जयपुर में दो नगर निगम है, अंदर वाले नगर निगम का नाम है हेरिटेज नगर निगम, क्या नाम है, अपने वाले का ग्रेटर फैल गया, पुराना तो उतना ही आगे तो फैलता जा रहा है, तो वास्तव में हम जयपुर में रहते ही नहीं है, जयपुर उतना ही जितना अंदर है, हम बाईपास पे, हम कहां पे बाईपास पे बैठे, अब क्या जयपुर ही था, सांगानेर किसी टाइम में गांव था, पर अब सांगानेर जयपुर का क्या हो गया हिस्सा, इधर चौमू की लग गया, इधर जाके चाकसू की लग गया, तो ये फैलाव होने लग गया शहर का, बाकी पुराना शहर इतना ही जितना अजमेरी गेट के अंदर अंदर वाला है, तो वो वाला जो जयपुर है उस जयपुर का हेरिटेज अपने वाले को नहीं, अपने जो बाईपास पे बैठे ये हेरिटेज नहीं, आप यहाँ फील लोग अच्छा हेरिटेज में चल रहा हूं मैं, हेरिटेज वाला फील लेना तो बाद में अजमेर गेट के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है, और क्या करवाए।